गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चुवी आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर। क्लास सेकंड के लिए ईवीएस में चैप्टर 9 लेके आई हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे अवर हाउसेस के बारे में, हमारे घरों के बारे में। ठीक है, सभी को घर की ज़रूरत होती है उसमें रहने के लिए। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, है ना। अवर हाउस इज़ अवर शेल्टर, हमारा जो घर है, हमारा जो होम, जो घर है वो हमारा एक शेल्टर, ठिकाना है। अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा जो घर जो है हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, जो खराब वेदर हो, ठीक है, और खतरनाक एनिमल्स से, और स्ट्रे एनिमल्स और थीप्स, चोरों से भी, है। अवर हाउस इज़ अ प्लेस दैट गिव अस कम्फर्ट, हमारा जो घर वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ हमें कम्फर्ट मिलता है, आरामदायक होता है। वी फील सेफ इन अवर हाउस, हम अपने घर में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो हाउसेज हैं, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइजेज के हैं, उनका आकार अलग है। ठीक है, द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज आर ऑल्सो डिफरेंट, जो उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है हाउस बनाने के लिए, उसको भी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। हट्स आर कच्चा हाउसेज, आपके जो हट्स होते हैं वो कच्चा हाउस होते हैं, वो आपके किससे बनते हैं, वो विलेज में ज़्यादातर ये जो हट आपके किस कहाँ मिलेंगे, विलेजेस में मिलेंगे ऐसे घर, कच्चा जो हाउस है ना, और वो किससे बने हुए रहते हैं, बैम्बू से, मड से, मिट्टी से, और स्ट्रॉ से, और ड्राई लीव से, सूखे पत्तों से ये घर तैयार किया जाता है। आपका जो पक्का हाउस है वो किससे बनते हैं, आपके पक्का हाउस से बच्चे, वो आपके ब्रिक से, ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से, टाइल से, स्टोन से, बहुत सारी चीज़ें हैं उससे हमारा जो ये पक्का हाउस बनता है। पक्का हाउस आपको अब कुछ कुछ विलेजेस में भी हैं, और सिटीज़ में भी, टाउन्स में भी, ये हर जगह आपको पक्का हाउस मिल जाएंगे। ठीक है, पक्का हाउस जो है वो सिंगल स्टोरी होता है, और डबल स्टोरी और मल्टी स्टोरी, तीन तरह के होते हैं। पक्का जो हाउस है आपके, उसके भी तीन टाइप हैं। सिंगल स्टोरी मतलब एक ही रूम सेट हो उसमें, और डबल स्टोरी मतलब दो रूम सेट हो, और मल्टी स्टोरी मतलब बहुत सारे उसमें रूम सेट हो। अब मतलब देखो, सिंगल स्टोरी में आपको पता चल गया होगा, डबल स्टोरी देखो इस तरीके से, मल्टी स्टोरी आपके बिल्डिंग्स आ गए जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। ठीक है, अब सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस भी, आपके बहुत सारे अलग अलग हाउसेस भी हैं, जो आपके स्टिल्ट हाउस है, जो लकड़ी से बना हुआ ये हाउस है, स्टिल्ट हाउस लकड़ी से बनाया जाता है, और वो ऐसी एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा तेज बारिश हो, जहाँ पे फ्लड, बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश के कारण जहाँ बाढ़ आ जाती है, उसके द्वारा ये ऐसे हाउस बनाते हैं। नीचे से लकड़ी की स्टैंड पे रहता है, हाँ, नीचे देखो वाटर है ना, इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि वो उनके बाढ़ में घर डूब ना जाए। ये जो आपके हाउसेस है वो आपके वुड से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेंट। टेंट आप देखो, टेंट ऐसा हाउस है जो आप किसी भी जगह, आप घूमने जा रहे हो या कैंपिंग में जा रहे हो, तो टेंट उठा के वहां पे लगा सकते हो, किसी भी जगह पे लगा सकते हो। टेंट ऐसा हाउस है, ठीक है, ये इजिली आराम से आप कहीं भी इसे ले जा सकते हो, किसी भी जगह टेम्पररी हाउस इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउस बोट। हाउस बोट जो है, बोट का मतलब तो समझ में आ गया, जो पानी में तैरने वाला जो होता है चीज, जैसे हम यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अब इसमें बोला है कि हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपका बोट पे जो हाउस बना हुआ रहता है, ठीक है, जो हमारे वो पानी पे, नदी पे, तो जो ऊपर तरहत पे जो है तैरते हैं, उसे हम बोलते हैं हाउस बोट। इट इज़ अ शेल्टर बिल्ट ऑन अ बोट, ये ऐसा घर बना हुआ रहता है जो बोट पे बना हुआ होता है। ठीक है, ये ज़्यादा, ये हाउस जो है आपको श्रीनगर जो कश्मीर में, वहाँ पे ये टूरिज्म के लिए ये रखा गया है, वहाँ अगर आप घूमने जाओ तो इस हाउस बोट पे आराम से बैठ के आप घूम सकते हो। ठीक है, ये जो है दाल लेक जो है आपका, वहाँ पे ही हाउस बोटिंग होती है। नेक्स्ट है आपका कार्बन। कार्बन का मतलब होता है जो गाड़ी वाली हाउस होती है, जो व्हील वाली होती है, जहाँ जिस घर में पहिए लगे हों, तो आपका वैन वाला हाउस हो गया, जैसे लकड़ी की काट वाले जो हाउस है इसमें भी देख सकते हैं, ऐसा हो गया है ना, ये आपके हो गए। जनरली नोमैड्स जो आपके जो बंजारा वगैरह है, तो ये लकड़ी के काट्स वाले हाउस जो हैं ये यूज करते हैं। कौन आपके बंजारा? बंजारा का मतलब ये होता है जो जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं, फिरते ही रहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए होता है। और नहीं तो आजकल वैसे भी बनाया गया है गाड़ी वाले हाउस जो आपके हैं, बहुत सारे ऐसे हाउसेस बनाए गए हैं आज के टाइम पे भी, जो आप उस हाउस में बैठ के आराम से कहीं भी किसी जगह घूम सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इग्लू। इग्लू जो है आपके स्नो एरिया में बनाया जाता है, वो स्नो से बनाते हैं,
ठीक है, अब देख सकते हो किस शेप में बना हुआ होता है। इसका जो एंट्री वाला जो पार्ट है बहुत छोटा होता है, इसमें बैठ के हम एंट्री करते हैं अंदर। ठीक है, जो पोलर रीजन्स, जो आपके पीपल पोलर रीजन्स में रहते हैं वो यूज करते हैं इस तरीके के घर। ठीक है बच्चे, अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है आपको। आपके नेक्स्ट है एक्सरसाइज पोर्शन और क्वेश्चन आंसर। आपको अपनी नोटबुक में ये करना है, मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।